अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अहमद शरीफ है और मैं आपको इलस्ट्रेटर पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस, ये पहला चैप्टर का फर्स्ट तो मैंने आपको कराया था, ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि वो जो शेप्स जो मैंने आपको दी थी वो आपसे कितनी बनी है और कितनी नहीं बनी है, हम उस पर आज डिस्कस करेंगे और उसको हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो गाइस, मेरे पास हम चलते हैं एक बार जरा विंडोज़ में, और यहाँ से हमें जाना है लाइब्रेरी में, सिंपल लाइब्रेरी में, और वेब आइकन से निकाल लेते हैं। तो गाइस, जो बड़ा कंफ्यूजन था वो ये था कि हम जो है इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो पहला शेप था हमारे पास में ये, तो अब एक एक करके सारे शेप्स को बनाऊंगा मैं। तो मैं पहला शेप निकालता हूँ यहाँ पे और इसको ड्रैग करता हूँ, ये मेरे पास में आया है। और अब मुझे ये शेप बनाना है मेरे को, तो मैंने क्या किया, मैंने एक रेक्टेंगल लिया, शिफ्ट के साथ में हम ड्रॉ करेंगे इसको इस तरह से। इसका जो स्ट्रोक है, इसके स्ट्रोक को जो है हम थोड़ा मोटा कर देंगे, तो हम यहाँ से जो है इसका स्ट्रोक को मोटा कर सकते हैं। ये रहा स्ट्रोक का ऑप्शन, तो ये मैंने इतना काफ़ी है इसके अंदर में। उसके बाद मैं टूल्स को थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ ताकि हमारे को थोड़ा इजी रहे। गाइज, यहाँ पे कुछ टूल्स आ नहीं रहे, ये रीसेट होने की वजह से ऐसा होता है, तो आपको एडवांस वर्जन पर जाना है। यहाँ से आप जाएंगे और यह तीन डॉट है यहाँ पर क्लिक करेंगे और एडवांस कर देंगे इसको, तो क्या होगा कि सारे टूल्स जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ से हम इस पर जो ट्राइंगल है छोटा सा, इस पर आप माउस को रिलीज कर देंगे, अब ये बाहर आ जाएगा इस तरह से। तो मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनको बाहर निकाल लेता हूँ। मैं माउस को प्रेस कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ और इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ इस तरह से। तो फिलहाल मेरे अभी इन्हीं से काम है तो मैं इजी रखता हूँ, बाद में जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने ऐड एंकर पॉइंट टूल लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे एंकर ऐड किया और एक यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड किया। उसके बाद मैं डिलीट एंकर पॉइंट टूल ले लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जिससे कि मेरा ये शेप आ जाएगा इस तरह का। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि ये शेप जो है थोड़ा सा, जैसे अगर मैं जूम करता हूँ इसको, मैंने स्पेस बार दबाया मैंने, और अब उसके बाद मैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा करके मैं लेफ्ट माउस को मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो है मुझे आगे की तरफ लेके जाना, तो मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और मेरे पास जो की बटन है मैं उसको प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे जो राइट की है मैंने उसको प्रेस किया, तो मुझे लगता है इतना ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं फिर अगेन मैं रेक्टेंगल लेता हूँ और शिफ्ट के साथ में मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा इस तरह से। और उसके बाद में मुझे कलर का स्वैप करना है, मैंने कलर का स्वैप कर दिया, तो देखो व्हाइट कलर आ रहा था, व्हाइट कलर मुझे नहीं चाहिए, मैं नन कर दूंगा उसको इस तरह से। अब अगेन मैं एक और रेक्टेंगल लूंगा और इस तरह से यहाँ ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा व्हाइट कलर कुछ इस तरह से, ये। तो आप देख सकते हैं कि ये लगभग लगभग जो है इसके जैसा बन गया है। थोड़ा सा जो है मैं इसको मूव करना है राइट साइड में, तो हम इसको राइट साइड में थोड़ा सा मूव कर देते हैं, ज़्यादा हो गया थोड़ा सा कम कर देते हैं, हाँ ये काफ़ी। तो ये हमारा एक शेप बन गया। अब एक प्रॉब्लम क्या है गाइस, वो हम बाद में देखेंगे। जैसे अगर हम इसको देखें, इसको अगर हम देखें तो ये हमें कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा, वो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। तो ये डिफरेंस हम कैसे खत्म कर सकते हैं कि हम इसका जो कलर है, इसके जो कलर है हम इसको नन कर सकते हैं। मैं अगर नन कर देता हूँ उसको तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। अब एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे इन दोनों के साथ में प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत सिंपल सा है कि हमें इसको जो है इसके साथ में डिवाइड करना पड़ेगा। तो पाथफाइंडर की हेल्प से हम कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें विंडो में जाना है और यहाँ से हमें लेना है पाथफाइंडर। पाथफाइंडर एक बार देख लेते हैं, ये रहा पाथफाइंडर, और यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन है माइनस फ्रंट, ये वाला जो ऑप्शन है। तो आपको दोनों सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको ये जो छोटा सा रेक्टेंगल इसको और साथ में इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आप कर देंगे माइनस फ्रंट। जैसे आप कर देंगे इसको, तो आप देख सकते हैं कि ये शेप इस तरह से बन चुकी है। तो ये आपके पास में ऑप्शन है, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो और ट्रिक्स जो है वो बीच में मैं आपको मतलब नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले ये सारे के सारे जो मतलब हमारे जो शेप्स हैं, जो हमारे आइकन्स हैं, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो ट्रिक्स होंगे वो थोड़ा सा मैं आपके सामने डिस्कस कर लूँगा। तो हमने ये किया, उसके बाद में मैं अगर ये शेप देखूँ, तो इस शेप के अंदर में ये हमारे पास में क्या बना हुआ है, हमारे पास में एक ट्रायंगल सा बना हुआ है। तो हम इसी की कॉपी ले लेते हैं, क्योंकि मैं इसको दोबारा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसकी ऑल्ट के साथ में मैंने ड्रैग किया इसको, तो इसकी कॉपी आ जाएगी। ओहो हो हो, हाँ ये कॉपी आ गई। अब उसके बाद मुझे सिर्फ इतना ही बनाना है मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, शिफ्ट के साथ में हम ड्रॉ करेंगे इसको, और उसको हम 45 डिग्री पर रोटेट कर देंगे। कैसे रोटेट करना है, आपने शिफ्ट प्रेस करना है, और ये जो देखो माउस यहाँ पे आता है इसके पास से रोटेशन का ऑप्शन, और मैं इसको ऐसे लेके आता हूँ, 45 डिग्री पर चले जाता है। उसके बाद आपको लेना डिलीट एंकर पॉइंट टूल और यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आप देखेंगे ये इस तरह से आ गया ऐसे करके, ठीक है। ऐड एंकर पॉइंट टू लेकर के आपको क्या करना है, एंकर पॉइंट ऐड करना है यहाँ पे कुछ इस तरह से, जैसे मैं कर रहा हूँ। एक एंकर पॉइंट यहाँ ऐड कर देते हैं, एक एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इक्वल डिस्टेंस रखना गाइस, तो थोड़ा सा आपको आसानी होगी। मैंने यहाँ पे रखा और एक यहाँ रखा। अब अंदर वाले जो डॉट्स हैं, जो एंकर पॉइंट है, उसको आपको मूव करना है, मतलब उठाना है। तो
तो अगर मैं जूम करूँ इसको तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंकर पॉइंट है ये वाले और ये वाले, इन दोनों को मैं ऊपर उठा रहा हूँ। अब जब मैं ऊपर उठाऊँ तो ये ऐसे ऐसे ये आगे पीछे ना हो, मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, तो अगर शिफ्ट प्रेस करें तो काफ़ी इसको जो है वो मतलब अच्छे तरीके से वो ऊपर की तरफ लेके जाएगा, वो इधर उधर रोटेट नहीं होगा, मूव नहीं करेगा। मैं इसको लेकर आता हूँ, स्ट्रेट रख दूंगा इसको इस तरह से, और इसको मैं इस तरह से यहाँ शिफ्ट। गाइज मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, तो अभी आप देख लेना कैसे करना है आपने। तो अभी आप देखें तो ये जो हमारे पास जो बना है, अगर हम इसकी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा जो है ज़्यादा चौड़ा बन गया, तो मैं इस वाले हिस्से को पकड़ता हूँ, एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे, ये देखो ये दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट हुए, बाकी सारे वाइट हैं, इसका मतलब ये सेलेक्ट नहीं है, दो ब्लू है तो ये सेलेक्ट होते, मैं इसको लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ इस तरह से, और इसी तरह से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और मैं कीबोर्ड के थ्रू जो है मैं इसको ओ ओ ओ कंट्रोल सेट करते हैं एक बार, और फिर से हम सेलेक्ट करते हैं इसको ताकि हमारा जो एंकर पॉइंट है दूसरा वो मूव ना हो, ये ठीक है। और अभी मुझे लगता है कि इतना जो है ठीक लग रहा है मुझे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, इसको जब मैं यहाँ रखता हूँ तो एक प्रॉब्लम हो जाती है, और वो प्रॉब्लम क्या होती है, मैं इसको उठा के अगर यहाँ रखूँ तो ये ब्लेंड हो रहा है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्ट्रोक डाल देंगे, यहाँ पे स्ट्रोक डालना है हमारे को, तो स्ट्रोक में हम कौन सा कलर डालेंगे, व्हाइट कलर डालेंगे, हमने व्हाइट कलर डाला यहाँ पे, और उसके बाद में इसका जो स्ट्रोक का साइज है हम उसे बढ़ाएंगे कुछ इस तरह से। ओहो सेलेक्ट नहीं है हमारा, फिर से करना पड़ेगा हमारे को, व्हाइट कलर डालना है यहाँ पे हमारे को, और उसके बाद में स्ट्रोक का पॉइंट बढ़ाना है, तो ज़्यादा हो गया थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अभी हमारे को जो है कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, तो ये शेप भी हमारी बन चुकी है अगर आप देखें तो, ठीक है। फिर हम चलते हैं इस वाले शेप पे, इस शेप के अंदर में क्या है, मैं इसी का एक ले लूँगा इस वाले को, और कॉपी ले लेता हूँ ऑल्ट के साथ में इस तरह से, और उसके बाद मुझे ये शेप लेके आनी है, तो मैंने क्या करना है, मेरे को यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है ऐसे करके, और फिर क्या करना है हमारे को डायरेक्ट सेक्शन टूल लेना है यहाँ से, और हमारे को ये वाला जो शेप है ये वाला, इसमें से ये वाला कॉर्नर को सेलेक्ट करके डिलीट मारना है, डिलीट बटन, मैंने डिलीट बटन प्रेस किया आपका ऐसे आ चुका है, इसका स्ट्रोक बहुत मोटा है तो हम पतला कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, हाँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी शेप भी बन गई है। अब उसके बाद में हम आते हैं इस वाले शेप, अब ये शेप जो है अगर हम देखें तो ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन हम बनाते हैं इसको भी, तो कैसे बनाना, हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है यहाँ पे, स्ट्रोक का साइज हम मोटा कर देंगे थोड़ा सा, उसके बाद हमने यहाँ से लेना है एड एंकर पॉइंट टूल, और एंकर पॉइंट मेरे को यहाँ पे ऐड करना है इस तरह से, और एक और ऐड करेंगे हम, उसके बाद हम लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और ये जो दो पॉइंट है हम इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे तरफ लेके आएंगे माउस की सॉरी कीबोर्ड की हेल्प से। जैसे कि गाइस आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे आ चुका है, और इसको हम सिलेक्ट करते हैं थोड़ा सा, हम लेफ्ट में जाएंगे राइट में, और ये देखो ये शेप हमारी लगभग बन चुकी है। स्ट्रोक अगर आपको लगे कि थोड़ा सा मोटा है तो हम इसको स्ट्रोक दे सकते हैं थोड़ा सा, और ये ठीक लग रहा है। अब एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं हम लोग इस तरह से, ये बाहर निकाल लेंगे हम इसको, और इसका स्ट्रोक का साइज हम थोड़ा कम कर देंगे सेम। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो हमें थोड़ा सा मैच कराना पड़ेगा हमारे को, कैसे मैच कराएंगे, मैंने वी प्रेस किया है, वी प्रेस करने से सिलेक्शन टूल आया था आपके, शॉर्टकट है ये, हल्का सा नीचे लिखा था ऐसे, अब ये नीचे आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं हमारे। अब हमें क्या करना है, मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ इसको, और यहाँ से भी हमारे को थोड़ा सा ये पॉइंट को हमें मतलब ये तो यहीं से आ रहा है, तो हम इसको हल्का सा जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से जो है हम मूव करेंगे कुछ इस तरह से। ये मैंने इसको लिया एक एंकर पॉइंट जो है हमें डालना है, हम इसको दोनों को ही सिलेक्ट कर सकते हैं फिलहाल, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, और मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करता हूँ इसको, बाद में हम जाएंगे अंदर की तरफ में, ये हम यहाँ पे लेके आते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें ऐड एंकर पॉइंट टूल की बजाय मैं ले लेता हूँ यहाँ से जो हमारे पास में जो दूसरा जो ट्रांसफॉर्म के अंदर में होता है वो टूल, हम उसको हम उसकी हेल्प से हम करेंगे, तो हम फ्री ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और हम ले लेंगे सॉरी जिसे हम रीशेप टूल बोलते हैं, रीशेप टूल ढूंढना पड़ेगा मेरे को कहाँ पर, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, ये यहाँ होगा रीशेप टूल, और एक पॉइंट में जो है डाल दूंगा यहाँ पे इस तरह से। और अब मैं क्या करूँगा कि ये जो डायरेक्ट सेक्शन टूल की हेल्प से मैं ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको मैं सॉरी लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस कि मेरे पास में एक अच्छी शेप आ चुकी है, मैं इसे ज़्यादा नहीं करना चाहता। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हमारे को थोड़ा सा राउंड शेप में चाहिए हमारे को, तो ये मेरे पास में एक ऑप्शन भी है, मैं इसको अगर करूँ इस तरह से तो भी हमारे लिए वो शेप बन जाती है। ज़्यादा हो गया हमारे पास, तो अगर हमें ज़्यादा नहीं करना है माफ़ कीजिएगा इस, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा मैं इसको जो है अंदर की तरफ लेके जाऊँगा इस तरह से,
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कलर को व्हाइट कलर फिल कर देंगे इसके अंदर में। तो हम यहाँ पे व्हाइट कलर फिल कर देते हैं। तो गाइज ये हमारे को इस तरह से शेप दिख रही है, ठीक है गाइज। तो लेवल ये भी ठीक है, थोड़ा सा देखो यहाँ पे हल्का सा बेंड है और नीचे से नहीं है, लेकिन मेरा दोनों तरफ हो गया, कोई बात नहीं। ये हम जस्ट एक ट्रिक्स सीख रहे हैं कि हम किस किस तरह से हम काम कर सकते हैं। फिर हमारे पास मतलब एक ये जीमेल अकाउंट की तरफ है, मेल टाइप का है, तो हमें इसे क्रिएट करना है। और मेरा जो लैपटॉप है भाई गाइज बहुत ज़बरदस्त वेट कर रहा है ये। तो गाइज मुझे ये मेल जो है, ये जो मेल जो बना हुआ है हमें इसको क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने एक रेक्टेंगल लिया इस तरह से, कलर नन कर देंगे हम इसका, हमें कलर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे नन का बटन देगा, नन कर दिया मैंने इसे। और अब मैं अगेन रेक्टेंगल ही ड्रॉ करूँगा इस तरह से, ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, शिफ्ट के साथ ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद में मैं इसे 45 डिग्री पर रोटेट कर दूँगा इस तरह से। अब हम इसको जो है थोड़ा सा यहाँ लेके आते हैं और मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे करके कुछ, ताकि ये ढंग से एडजस्ट हो जाए। और अभी मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा यहाँ से, और ये वाला जो हिस्सा डायरेक्ट सिलेक्शन की हेल्प से मैं डिलीट मार दूंगा। और ये जो पॉइंट है मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे ऐसे, और ये वाला पॉइंट कर दूंगा यहाँ पे ऐसे। ये आ गया हमारे पास में ऑप्शंस, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा ऐसे, और जो इसका स्ट्रोक का साइज है मैं उसे थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। तो चलो हम बढ़ाते हैं स्ट्रोक का साइज को, सेलेक्ट किया स्ट्रोक, और ये जो यहाँ से पॉइंट को बढ़ा दूंगा, सेलेक्ट करना जरूरी है गाइस, ये काफी थोड़ा सा नीचे जाते हैं ताकि वो कॉर्नर जो है वो विजिबल ना हो। अब यहाँ से हमें ये जो लाइन है वो क्रिएट करने, तो मैं यहाँ से इस लाइन को लेकर के ड्रॉ कर सकता हूँ इजीली, तो मैं इससे ही ड्रॉ कर सकता हूँ। स्ट्रोक का साइज कम कर देंगे गाइस हम लोग। और अब मेरे को क्या करना है, इसको इसको रिफ्लेक्ट मारना है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा इसको यहाँ पे इसको, और यहाँ से मैं देखूंगा रिफ्लेक्ट टूल, मैंने ऑल्ट प्रेस किया, क्लिक करेंगे यहाँ पे तो टूल्स अपने आप चेंज हो जाएगा यहाँ पे। और मैं इसको रखूंगा इसके सेंटर में, और मुझे चाहिए कॉपी, थोड़ा सा जो है इसको मैं हल्का सा जो है या फिर वही रखते हैं इसको। और ये वाला जो साइन है हमारे पास है, ये पॉइंट का जो है डायरेक्ट से थोड़ा सा आगे होना है इस तरह से, कोई दिक्कत खराब नहीं है। ये हमने एक ये शेप बना ली यहाँ पे, हमने कोई दिक्कत नहीं है हमारे को बनाने में। तो अब हम बनाते हैं इसको, इजी है, हम लोगों ने ड्रॉ करना है इसको, इसका जो मैं राउंड कॉर्नर जो है वो मैं कम कर रहा हूँ उसका। ये क्या हो गया, विजिबल नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम होगी गाइस, हमारा सिस्टम जो है काफ़ी हीट कर रहा है। हाँ ठीक है, इतना काफ़ी गाइस। तो ये मैंने इतना रखा यहाँ पे, और उसके बाद में मैं इसको जो है व्हाइट बोर्ड पे करूंगा, ताकि आपको जो है वो थोड़ी सी जो है वो दिक्कत ना हो कि व्हाइट कलर सर इसमें फिल नहीं हो रहा है, ये जो भी है। तो अभी देखो यहाँ पे व्हाइट कलर फिल है यहाँ पे, मुझे भी यहाँ पे वही करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं उसके लिए एक रेक्टेंगल ले लूँगा, नॉर्मल रेक्टेंगल लेना, मेरे को नॉर्मल रेक्टेंगल ले लेते हैं, और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ऐसे करके। मैं अंदर जो स्ट्रोक कलर है वो उसको इस तरह से कर दूंगा, ताकि जो मेरा जो कॉर्नर है उसमें ड्रॉ रखना पड़े, और थोड़ा सा नीचे ले आता है उसको, और छोटा कर देता हूँ यहाँ से भी और यहाँ से, ताकि वो जो कॉर्नर जो नजर आ रहा है वो नजर ना आए। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें करना है यहाँ से स्ट्रोक को जो है मतलब जो कलर है वो इस तरह से व्हाइट ब्लैक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास में शेप आ चुकी है, हम चाहे थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं इसको कुछ इस तरह से। अब उसके बाद मुझे लेना है यहाँ से राउंड रेक्टेंगल टूल, जो मैंने पहले ले रखा था वही लेना है, और हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे इसको, थोड़ा सा हम इसको राउंड कर देंगे। और उसके बाद स्ट्रोक के अंदर में ब्लैक कलर डालना है, और फिल कलर में भी हमें कलर डालना है व्हाइट, तो हम वही करेंगे यहाँ पे। तो हम कर लेते हैं गाइस, तो कैसे करेंगे हम लोग, जो स्ट्रोक है उसमें हमें डालना है ब्लैक कलर, और अंदर में डालना है हमारे को व्हाइट कलर इस तरह से। ये हमने डाल दिया हमने व्हाइट कलर, और अब हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और रखेंगे यहाँ पे, कंट्रोल जेड करना पड़ेगा मेरे को, ये लिया है और यहाँ रखेंगे ऐसे। तो गाइस देख सकते हैं आप कि ये इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, ये ठीक लग रहा है। अब इसकी कॉपी ले लूँगा, ऑल्ट प्रेस करेंगे हम लोग, और इसको हम कॉपी कर देंगे शिफ्ट के साथ में, जो है ये ज़्यादा जो है वो मूव नहीं करता, एक स्नैप करता है ये एंगल, तो मैं रखता हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये शेप भी बन गई, इसको ले लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है गाइस, तो मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ,
ड्रॉ करेंगे यहाँ पे शिफ्ट के साथ में ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं इसको। और उसके बाद मैं इसी की कॉपी ले लूँगा ऑल्ट के साथ में, 45 डिग्री रोटेट कर दूंगा इसको। उसके बाद गाइस हाँ ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे वाला पॉइंट है एंकर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे हम, डिलीट मार देंगे और इसके अंदर में जो है हमें जो फिल कलर है उसको हम रन कर देंगे। स्ट्रोक को रखेंगे यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे रखना है। और ये जो अंदर ये वाला जो रेक्टेंगल है इसमें हम एड एंकर पॉइंट टू लेस करेंगे बीच में और डिस सेलेक्ट करके डिलीट मार देंगे इसको, तो हमें ये शेप मिल जाएगी। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इस वाले शेप को थोड़ा सा स्ट्रोक देंगे हम, तो हम स्ट्रोक देते हैं गाइस, ये हमने स्ट्रोक दे दिया इसको और एक लाइन जी होगी हमारे को ऊपर में, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। स्ट्रोक कम करेंगे गाइस हम लोग, कम के हम नन भी कर सकते हैं इसको ताकि हमारे को दिक्कत ना हो, और अंदर जो है हमें ब्लैक कलर ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप छोड़ देंगे इसको ऐसे। चाहो तो अंदर में ब्लैक कलर दे सकते हो, अगर नन है कलर तो आप ब्लैक कर सकते हो इसको, इस तरह से ब्लैक कलर स्वैप हो जाएगा और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और साउंड से छोड़ा कर सकते हैं। तो गाइस ये बन गया हमारा, बीच में हमें एक और रेक्टेंगल चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं, ये भी बन गया हमारा। उसके बाद हमारे पास में ये प्रिंटिंग का ऑप्शन है प्रिंटर का, तो हम इसको देख लेते हैं एक बार, इसको देख आते हैं यहाँ से, तो बनाते हैं इसको। बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमारे को हमारे लिए राउंड रेक्टेंगल टूल ड्रॉ करना है यहाँ पे इस तरह से, इतना ठीक है हमारे पास में। स्ट्रोक में डाल देंगे कलर और हमें स्ट्रोक को थोड़ा सा मोटा कर देना है। उसके बाद रेक्टेंगल लेना है नॉर्मल, अंदर की तरफ कलर डालना है, हमें कलर को जो है वो स्वैप कर देंगे इसको, थोड़ा सा हम छोटा करेंगे इसको, एक्स्ट्रा टाइम बचा है हमारा। उसके बाद हमें एक राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेना है, इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये कॉपी ले लेंगे इसकी, दो कॉपी हो गई हमारे पास में। अब उसके बाद में हमें एक रेक्टेंगल फिर अगेन लेना है हमें इस तरह से, अंदर के जो कलर है वो व्हाइट होना चाहिए, ये व्हाइट हो गया। स्ट्रोक हमें ब्लैक चाहिए, ब्लैक हो गया, स्ट्रोक थोड़ा हमें बढ़ाना है, अब उसके बाद हमें यहाँ पे वही करना है कि हमें सेलेक्ट करना है एड एंकर पॉइंट टू लेना है यहाँ पे, क्योंकि हमें ये शेप चाहिए, एक यहाँ और एक यहाँ पे, डिलीट एंकर पॉइंट टू लेना है और कलर जहाँ पे जब हम करते हैं क्लिक तो गाइज वो एरर आता है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। देखो गाइज ये थोड़े से हमारे शेप जो है ऊपर की तरफ में है दोनों के दोनों, ऐसे ऊपर हल्का ऊपर कर देता हूँ, ऐसे दिक्कत नहीं है, ऐसे कर दिया मैंने, और इसको थोड़ा सा जैसे यहाँ पे इसको इक्वल कर देते हैं, स्पेस में दिखाते हैं इसको, ये ठीक है दोनों इक्वल होने चाहिए, अभी थोड़ा सा देखा चले। अब यहाँ पे मुझे एक और शेप चाहिए, मैं लाइन टूल से कर सकता हूँ इसको, या फिर मैं सेम वही करूँगा जैसे मैंने पहले किया था, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे हम, और ये वाला पॉइंट जो है हम ग्रेड मार देंगे इस तरह से। इसके अंदर का जो कलर है उसे हमें नन करना है। अब ये जो पॉइंट है हमारे को यहां से जो है उठाना है, स्केल करेंगे गाइस हम लोग, और ये हमारे यहाँ रेडी हो गया। अब एक और चाहिए हमारे को रेक्टेंगल, तो हम रेक्टेंगल ड्रॉ करना है इस तरह से, अंदर में हमें व्हाइट कलर फिल करना है, व्हाइट कलर फिल कर देते हैं गाइस, ये देखिए ठीक है गाइस। तो ये हमने इस तरह से जो है कलर इसमें फिल कर दिया है, तो ये इतने शेप हमारे बन चुके हैं। अब आ जाते हैं हॉर्न पे गाइस, बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज आएगी, आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे घर बहुत क्लोज क्लोज हैं, और वहाँ पे आपको इस तरह के साउंड सुनाई देंगे ही देंगे, चाहे मैं कुछ भी कर दूँ, तो थोड़ा सा कॉपी करिए गाइस। तो ये मेरे पास में है, मैं इसको जो है ले देता हूँ और जस्ट क्रिएट करते हैं हमें यहाँ पे जो है क्या करूँगा, जो इसके जो कॉर्नर हैं राउंडेड हैं और मेरे तो नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा स्ट्रोक में जाऊँगा और इसके जो यहाँ पे हमारे पास में ये वाला जो ऑप्शन है मैं इसको ऑन करता हूँ, तो इससे जो मेरे कॉर्नर हैं वो राउंड में दिखेंगे, आपको हल्के फुल्के दिखेंगे। अगर आपको ज़्यादा करना है तो हम वही करेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेंगे और इस तरह से
देख लेंगे। तो गाइस अब क्या करना है हमारे को कि हमें जो है दोनों जो शेप है उसको हम बराबरी जो है वो नीचे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी तरह से इसको ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हम इस तरह से लेके आ गए, तो क्या होगा गाइस, तो एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैं शिफ्ट के साथ में कर रहा हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी आ जाए, आपको 5-5 स्पेस लेता है एक बार। और अब हम क्या करेंगे गाइस कि यहाँ पे हमें एक और इस तरह का जो है वो चाहिए, तो मैं इसी की कॉपी ले लूँगा, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और मैं इसको रिफ्लेक्ट कर दूंगा। रिफ्लेक्ट करना है हमारे को ऑल्ट के साथ में, रिफ्लेक्ट को ले लेंगे हम लोग ऑल्ट के साथ में यहाँ करेंगे क्लिक। और ये ऐसे आगे हमें कॉपी नहीं चाहिए हमारे को, जस्ट इसको छोटा करना है इसको कुछ इस तरह से। और अंदर ब्लैक कलर डाल देंगे हम लोग और इसको रन कर देंगे स्टॉप ले लेंगे। जैसे क्या देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे जो है ये इस तरह से आ गया। अभी ये थोड़ा सा जैसे देखें तो ये चिपका हुआ है और ये हमारा थोड़ा सा बाहर की तरफ, हम इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं गाइस हो जाता है। ये आगे हमारे पास में, अब हमें क्या करना है, हमें ये शेप बनानी है तो हम ले लेते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल, ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इस तरह से। कॉर्नर जो है हम थोड़ा सा देखा जाते शार्प ये रखा हमने यहाँ पे ऐसे। और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम इसको जो है एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से। और ये जो पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे ताकि जो ये जो हमारे दिख रहा है स्पेस कंट्रोल करने का इस थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा हो गया वैसे शिफ्ट यहाँ ऊपर ले आते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से ताकि वो ना नजर आए। अभी हमें दिख रहा है इस तरह से गाइस, तो ये थोड़ा टेढ़ा है इस तरह से, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे रीशेप बिल्डर टूल लेना है और एक शेप यहाँ पे क्रिएट करनी है रीशेप टूल से। एक हम शेप यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं ऐसे और एक यहाँ पर, दोनों में हैंडल क्रिएट है ऑलरेडी। और इसको जो है लेके जाएंगे ऐसे, ये वाला जो टूल है इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। गाइस ये थोड़ा सा जो है अजीब लगा देख रहे हैं, मैं जल्दबाजी में शॉप बना रहा हूँ तो मैं इतने रखूंगा इसमें ज्यादा स्लो नहीं करूँगा। आप थोड़ा सा इक्वल थोड़ा सा धीमे धीमे करेंगे तो शायद ये ठीक से बन जाएगा आपसे। इसको क्या रहता है यहाँ पे, तो ये शेप भी हो गया हमारे पास में। अब हम आ जाते हैं कमेंट में, इसको बनाएंगे हम लोग बॉडी में। आपने ले लेना है एक सर्कल, उसके बाद हम इसका जो स्ट्रोक है वैसे कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे एड एंगल पॉइंट दे लेंगे और एक एंगल पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम लोग, एक एंगल पॉइंट यहाँ पे करा जाए तो करेगा तो एरर आएगा आएगा। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे इसको और सिलेक्ट करके हम इसको मूव करेंगे बाहर की तरफ। अब अगर आप देखेंगे गाइस तो इसका जो कॉर्नर है वो शार्प है और इसका तो एकदम स्मूथ लग रहा है देखने में, हमें ठीक करना होगा। इसको हम गाइस टूल से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन हैगा कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू कॉर्नर, इसे कर लेंगे। तो ये देखो आप एक तरह से एकदम बढ़िया सा शेप आ जाएगा। ये भी बन गया हमारा स्ट्रोक को हम बढ़ा सकते हैं, स्ट्रोक बढ़ा लो। ये देखो ये भी बन गया हमारे से जूम टूल, जरूरत नहीं है ये भी, जरूरत नहीं है नहीं है नहीं है, इसको देख सकते हैं हम लोग। इजी है, इजी कैसे है कि हमने यहाँ से जो है एक मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया यहाँ पे इस तरह से, थोड़ा सा चाहो तो आप ऑलरेडी रेक्टेंगल टूल ले सकते हैं, मैं ऑलरेडी रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ। उसके बाद मैं ये वाला जो हिस्सा है इसको डिलीट मार देंगे ऐसे करके, और ये वाला जो हिस्सा है इसको डिलीट मार देंगे। ऐड एंकर पॉइंट टू लेंगे यहाँ पे और हम इस पर एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे डायरेक्शन टूल से और उसको नीचे ले जाएंगे ऐसे। अब इसका जो उसका जो एंड पॉइंट है, इसका जो एंड पॉइंट है गाइस वो आप देखेंगे तो उसका वो है क्या बोलते हैं उसे, इसका जो एंड पॉइंट है वो राउंड है और मेरा तो राउंड नहीं है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है इसको स्ट्रोक पैनल में जाना पड़ेगा हमारे को। हम इसके स्ट्रोक पैनल चलते हैं एक बार और स्ट्रोक में जा करके हमें क्या करना है इसको राउंड करते हैं, ये ठीक हो जाएगा।
तो यहाँ से भी देखो ये भी हो चुका है, तो हमें अननेसेसरी ये वाला पार्ट तो हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको डिलीट मार देंगे इस तरह से। तो ये हमें इस तरह से नजर आ रहा है गाइज। यहाँ पे हमारे को जैसे देखे तो ये थोड़ा सा कॉर्नर इसका राउंड है और मैं इसको हल्का सा राउंड कर सकता हूँ। टूल्स दे रखे हैं गाइज हमारे पास में है, हम बहुत इजीली कर सकते हैं इसको, बस थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि कैसे काम करते हैं। अब हमें क्या करना है गाइज, यहाँ से बैठे टूल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये वाला जो एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना है, दो 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 एंकर पॉइंट ऊपर की तरफ लेके जाएंगे हम, बस काफी है। और उसके बाद में हम यहाँ पे एक लाइन टूल की हेल्प से जो है चार खाने बना देंगे, तीन खाने इस तरह से। और जूम कर लेते हैं गाइज, ये भी बनेगा अच्छे से बन जाएगा। तो गाइज ये हमारा बन गया, थोड़ा सा सर्कल बनाना है हमारे को, आ रहे हैं सर्कल यहाँ पे। बाकी हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हार्ड शेप तो देख लेते हैं एक बार, हार्ड शेप इजी है। आपको क्या करना है, आपको सर्कल लेना है, ड्रॉ करना है यहाँ पे, स्ट्रोक में हम कलर फिल कर देते हैं इस तरह से। और ये वाला जो शेप है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम एंटर पॉइंट करेंगे इसको। तो अभी भी देख सकते हैं कि आपको वो लुक तो आई गई है यहाँ पे, और इसको हम थोड़ा सा लेके जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करके हमें थोड़ा सा चला रहा है, कंपोजिट करते हैं फिलहाल। और ये वाला एंटर पॉइंट को हम कॉर्नर कर देंगे यहाँ से, कॉर्नर से नीचे जाएंगे ऐसे, सारे कंपोज को उठा। चाहो तो आप यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा जो है मॉडिफाई कर सकते हो इस तरह से, इसको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा जो है शेप आ जाएगी इसके, तो आप देख लेना इसको। एडिंग पॉइंट टूल्स आप यहाँ पे भी कुछ ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे उसका थोड़ा सा कूल डाउन शेप देना हो अगर आपको, तो एडिंग पॉइंट टूल ले लो यहाँ से, और उसके बाद एंटर पॉइंट यहाँ से, या रीशेप टूल ले लो, रीशेप टूल ज़्यादा सही रहेगा, तो ऑलरेडी क्रिएट कर देते हैं। और ये जो दोनों पॉइंट हैं हम इसको हम जो है क्या कर देंगे यहाँ से रिलीज कर देंगे सर, क्या और ये थोड़ा सा ये गाइस ये कॉर्नर होने की वजह से प्रॉब्लम होगी हमारे को, और उसको हमें कॉर्नर नहीं करना चाहिए था। एक बार हम दोबारा क्यों कर सकते हैं, दोबारा से बता देते हैं एक बार ताकि बन जाए। हम लोगों ने यहाँ पे इसको जो है ये वाला पॉइंट हम नीचे लेके जाएंगे ऐसे में, नीचे करते हैं इसे कॉर्नर कर देंगे हम लोग, और ये वाले पॉइंट हम नीचे जाते हैं इस तरह से, और इसे भी हम जो है थोड़ा सा नीचे जाते हैं इसको, और इसको भी नीचे जाते हैं करेंगे, कॉर्नर कर देंगे इसको, और इस वाले पॉइंट को उठाएंगे ऊपर जाते हैं, इस वाले पॉइंट को उठाएंगे ऊपर जाते हैं। तो ये हमें शेप जिस तरह से मिल जाएगी, इसका स्ट्रोक बना देंगे गाइस। ये और सही से बन जाएगा, मैं इसको बनाने के चक्कर में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने इस तरह से हार्ड शेप बनाई है, इसको और बहुत सारे तरीके हैं मतलब इस शेप बनाने के लिए, लेकिन फिलहाल हम बेसिक शेप से कर रहे थे, हम ऐसे ही करेंगे बेसिक से। बेसिक से सेम सेम बन जाएगा, ऐसी बात नहीं, सेम ही बन जाता है। आपको एक पार्ट जो है वो लिप बनाना है और दूसरा रिफ्लेक्ट भी मार देंगे तो भी बन जाएगा। जस्ट क्या करना है, आपने यहाँ से जो है आपने एक पॉइंट ले लेना है, इसको यहाँ से थोड़ा सा उठाना है और उसके बाद में मिरर मार देना, तो ये हो जाएगा यहाँ से। लेकिन खैर छोड़ देते हैं ऐसे, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, तो इसको देख लेते हैं। इससे पहले हम देखते हैं तो इसको देखेंगे गाइस, तो ये हमारे से कैसे बनेगा, इसके लिए क्या करना है, हमारे को राउंड रेक्टेंगल टूल लेना है।
शिव के हाथ में ड्रॉवर था, 45 डिग्री रोटेशन दे देते हैं इसको। उसके बाद में मैं इसको जो है इसको ऐसे रखते हैं फिलहाल गाइस, और मैं यहाँ पे जो है एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ और जस्ट यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे हम लोग, राउंड रेक्टेंगल खुलेंगे और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे इसको कि दोनों को हम लेंगे और माइनस फ्रंट करेंगे यहाँ से, तो ये हमें फल शेप मिल जाएगी। और शेप मिलने के बाद हमें क्या करना है इसको गाइस कि ये जो पॉइंट है इसको हम ब्लैक कलर जो है वो अलग अलग ले लेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है अंदर के दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे हम लोग और बोर्ड होंगे ऐसे, ये शेप आ जाएगी हमारे पास में। और ये शेप ज़्यादा ही ऊंची हो गई तब से थोड़ा सा इक्वल कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है जब तक वो मतलब लगता है देखने में कि क्या बन गया है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखेंगे आप उसको तो वो बना पाएंगे, कंट्रोल करना पड़ेगा इस शेप का भी आता है। चलो जो भी अभी हमारे को ये शेप बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से लेना है अगेन राउंड रेक्टेंगल टूल लेते हैं, ड्रॉ करते हैं यहाँ पर इस तरह से। ये हमने बना दिया यहाँ पे इस तरह से, और उसके बाद में यहाँ पे सर्कल ले लेंगे हम लोग, स्ट्रोक में कलर डाल देंगे, रखेंगे यहाँ पे ऐसे। और अब हम क्या करेंगे इसको कि इसमें जो है एक और कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल सी से कंट्रोल एफ करेंगे तो पेस्ट इन फ्रंट हो जाएगा, इसी के साथ सामने हो जाएगा फिर। तो पहले जो जो ऑप्शन है मैंने थोड़ा छोटा करता हूँ उसको, हाँ, और नीचे वाले का जो कलर है उसको हम ब्लैक कर देंगे और जो अंदर वाला है उसको हम वाइट कर देंगे। उसके बाद हम रोटेशन दे देंगे इसको, वैसे देख सकते हैं कि ये हमारा कुछ बन गया है, ज़्यादा एग्जैक्टली सेम नहीं बना, ज़्यादा सेम भी बन जाता है मैं जल्दबाजी में बना रहा हूँ और बनगा ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन आप बनाएंगे तो आपसे बन जाएगा, इजीली बन जाएगा आपसे। उसके बाद में हम ले लेते हैं इसके लिए टू, और ये तो इजी है वैसे देखा जाए तो, क्या करना है हमें सकल ले लेना है, स्ट्रोक का कलर नन कर देंगे हम लोग, सॉरी फिल का कलर नन कर देंगे, स्ट्रोक में आएंगे, स्ट्रोक की प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ से हम लोग एरो हेड कर देंगे यहाँ से ये वाला, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आगे। अब एक पॉइंट जो है हमारे को खत्म करना पड़ेगा यहाँ से, तो हमने एड एंकर पॉइंट टू ले लेना है, एक एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं और सेलेक्ट करेंगे इसको और डिलीट मार देंगे इसको, तो ज़्यादा हो गया, आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना वहीं तक करना है, तो ये आ गया हमारे पास में, स्ट्रोक बढ़ा देंगे इसका, तो स्ट्रोक का जो साइज है वो अगर बढ़ रहा है तो मतलब एरो का तो आप सुख कर दो कर सकते हैं। कंट्रोल कर लिया यहाँ पे सीजर बनाते हैं, मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक अभी इस शेप बनाने की वजह से आपके माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी हमें कैसे काम करना है, तो मैंने यहाँ से लिया एक राउंड रेक्टेंगल टूल, ड्रॉ करेंगे इसको यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा राउंड कर देंगे इसको, शेप के हम स्क्वायर बनाएंगे इसको 45 डिग्री पर हम रोटेट कर देंगे इसको यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है एक और रेक्टेंगल लूँगा शार्प रेक्टेंगल और ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे इसको 45 डिग्री पर रोटेट कर देंगे इसको, यहाँ पे सामने से थोड़ा बड़ा करना चाहो बड़ा कर सकते हो, दोनों से करेंगे माइनस फंड कर देंगे यहाँ से हम लोग, ये शेप आ जाएगी हमारे पास में। उसके बाद हमें इसको ब्लैक कलर रोटेट कर देना है, इसको कलर स्वाइप कर देंगे यहाँ से हम लोग, और फिर हम लाइट भी ले लेंगे यहाँ से, एक टूल यहाँ पे क्लिक करना है इस तरह से, स्ट्रोक में कलर डाल देना है हमारे को ब्लैक, स्ट्रोक का साइज बढ़ा देंगे हम लोग और यहाँ पे हम सर्कल ले लेंगे
इस तरह से दोनों से करेंगे यहाँ पे, दोनों से किया मिरर कर देंगे हम लोग, यहाँ से मिरर करना है ऐसे करके, और ये सीधा भी बन गया, बहुत ज़्यादा चौड़ा बन गया है तो जल्दबाजी बनाना होगा इस, तो ये ऐसे ही बनेगा। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके बारे में, जो हमारे जॉयस्टिक है मेन जॉयस्टिक, हम इसका करते हैं इनको। ये भी बहुत इजी है बनाना, बहुत बहुत इजी है। क्या करना है हमारे को, हमें एक शेप लेनी है, और उसके बाद में जो है इस वाले जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा नीचे तक खींचूंगा सर के, 45 डिग्री पर हम इसे रोटेट कर देंगे हल्का सा। चाहो तो 45 डिग्री पर ना करो तो भी चलेगा, हल्का सा ये कर दो, मैं इतना कर देता हूँ। और उसके बाद में मैं इसे रिफ्लेक्शन ले लूँगा यहाँ से, मैं रिफ्लेक्शन ले लेता हूँ। ऑल प्रेस करते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे हम लोग, सिलेक्शन टूल होना चाहिए आपके पास में, पूरा सिलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हम सिलेक्शन और रिफ्लेक्ट टूल लेंगे यहाँ से, और भी हम प्रेस करेंगे यहाँ पे, और काफ़ी चाहिए हमारे को, ये दो आ जाएंगे हमारे को। दोनों के अंदर में हम क्या करेंगे कि ब्लैक कलर डाल देंगे, और उसके बाद में मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लूँगा स्केल करेंगे थोड़ा सा, और इसे देखेंगे शेप बन गई यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ से लेना प्लस का साइन इस तरह से, एक और ऑप्शन चाहिए होगा हमारे को, तो हमें यहाँ से ऑल्ट कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करेंगे, हम 45 डिग्री पर रोटेट कर देंगे इसका साइन। ये हो गया हमारे पास में दोनों के अंदर, हम ब्लैक कलर की जगह व्हाइट कलर डाल देंगे, और देखेंगे यहाँ पर स्टॉक कर, स्टॉक नहीं होने गाइस, ब्लैक कलर तो बना स्टॉक करना होना चाहिए, ये हमारे पास में ऐसे आ गया। तीन डॉट बनाने हैं वो बन जाएंगे मुझे पता है, ये अगर व्हाइट के ऊपर रहेगा तो आपको देखो समझ में नहीं आएगा, अगर ये व्हाइट के ऊपर जाता है ये, ओ कंट्रोल से जेड, तीनों को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और इसमें मार्च कर दूंगा यहाँ से, यूनाइट कर देंगे हम लोग, पहले कर दिया हमने, साथ में स्किल कर देते हैं बट। और उसके बाद में ये जो शेप है हमारे पास है, और इसको हम साथ में वेल्ड कर देंगे, और इसे माइनस कर देंगे ये शेप। तो ये इस तरह से जो है हमने शेप बना लेने हैं, सारे के सारे बन जाएंगे आप लोगों को समझे मालूम है। और मुझे अंदाज़ा है कि अब यहाँ पे कोई भी हार्ड शेप है नहीं, आप सब बना सकते हो यहाँ से। तो गाइज ये आज के लिए इतना ही था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो लोग यहाँ पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि तो मैं आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे चाहिए कि आपके सब्सक्राइब अगर बढ़ते हैं तो मेरी को थोड़ा सा और मतलब मेरी उम्मीदें वो बढ़ेंगी कि हाँ मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। तो अगर आप देख रहे हैं, अगर आपने इतनी बड़ी इतना लंबा ट्यूटोरियल देखा है मेरा, तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और मेरे नोटिफिकेशन को जो है वो ऑन कर देना, ताकि मैं जितनी जल्दी और जो इसका चैप्टर डालूँ वो आपको समझ में आ जाए। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।